बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट जैसे ही आएगा तो आपको गूगल पर सर्च करना है स्टडी गवर्नमेंट एग्जाम। जैसे ही यहाँ पे स्टडी गवर्नमेंट एग्जाम यहाँ पर लिखिएगा और इसको आप सर्च कर लीजिएगा तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आप देख सकते हैं हम लोग स्टडी गवर्नमेंट एग्जाम के ऑफिशियल साइट पर आ गए हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है। डेली आपको एक वीडियो यहाँ प्रोवाइड कराया जाता है, देख सकते हैं बिहार आईटीआई का वीडियो आया हुआ है। इसके बाद पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन का वीडियो आया हुआ है, बिहार स्नातक एडमिशन का वीडियो आया हुआ है। जैसे ही मैट्रिक का रिजल्ट आएगा सबसे पहले इसी वेबसाइट पर आप लोग को लिंक दिया जाएगा रिजल्ट चेक करने का। तो वेबसाइट का नाम याद रखिएगा स्टडी गवर्नमेंट एग्जाम, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, वहाँ से भी डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के तरफ से। कहा जाता है कि सही कदम सही समय पर लेना बहुत ज़रूरी होता है और बोर्ड ने आपके लिए बहुत सही कदम लिया है। आप अभी अभी इंटर पास हुए हैं, आगे चल के मैट्रिक पास कीजिएगा। इसके लिए बोर्ड अभी से ही आपको प्रिपेयर्ड कर रहा है आगे भविष्य के लिए कि आप आगे क्या अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि आज के डेट में सही फैसला बहुत जल्दी लेना ज़रूरी होता है। बोर्ड ने बहुत बड़ी फैसला लिया है, तो जितना हो सके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नया है तो ऐसे ही अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैट्रिक का रिजल्ट बहुत लोग पूछ रहे हैं तो लास्ट अप्रैल में आएगा, जो भी आपको बता रहा है कि आ जाएगा कल आएगा, तो ऐसे फेक यूट्यूबर से बचिए। आप लोग का मैट्रिक का रिजल्ट लास्ट अप्रैल में एनी हाउ आएगा। जैसे ही आएगा सबसे पहले हमारी टीम आपको वीडियो प्रोवाइड करा देगी। मैट्रिक रिजल्ट के बाद आप इंटर में जाइएगा। इंटर रिजल्ट आ गया उसके बाद बीए बीएससी बीकॉम में आप जाइएगा। आज आपको 9 बजे एक वीडियो प्रोवाइड करा देंगे कि बिहार में कब से स्नातक का नामांकन होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता रहता और एडमिशन का डेट भी निकल जाता है। इसलिए 9 बजे आपको एक वीडियो आ जाएगा कि बिहार के किन किन यूनिवर्सिटी में बीए बीएससी बीकॉम या कोई भी वोकेशनल कोर्स होता है बीसीए बीबीए बीटेक का कब से पढ़ाई स्टार्ट होगा, पूरा डिटेल्स में आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। तो पल पल की खबरें पाने के लिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिए यूनिवर्सिटी न्यूज़ यूट्यूब चैनल को। डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे फेसबुक पेज एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा का, वहाँ से हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। तो आपके पेपर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आज के ही हिंदुस्तान पेपर आर्टिकल में निकला हुआ है। यहाँ पर जो भी वीडियो हम लोग प्रोवाइड कराते हैं आप लोग को हेल्प करते हैं कि आप लोग अवेयर रहिए, एक एक बातों से अवेयर रहिए कि क्या बोर्ड नया नया फैसला ले रहा है। और अभी देखिए बोर्ड बहुत बड़ा फैसला लिया है कि विद्यार्थियों के लिए यूट्यूब पर लाइव कैरियर क्लास, आपके लिए लाइव कैरियर क्लास स्टार्ट करने जा रहा है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, जिससे आप लोग अवेयर रहिए 12th के बाद क्या करने में जल्दी जॉब लगेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता रह पाता, फिर बाद में जाके 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल ऐसे तैयारी करते हैं। तो आप लोग के साथ वैसा दिक्कत ना हो इसके लिए बोर्ड आगे से ही देख सकते हैं तकनीकी सहायता ले रहा है। आपको अगर अपने कैरियर की जानकारी लेनी है, समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा कैरियर का चयन करें, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। देश भर के कई विशेषज्ञ आपकी मदद करेंगे। यह विशेषज्ञ 9 अप्रैल को YouTube पर लाइव रहेंगे और आपकी समस्याओं का समाधान होगा। पहली बार आया हुआ है, इसलिए इसको जितना हो सके शेयर कर दीजिए जिससे ये सभी परीक्षार्थियों के पास पहुंच सके। लिखता है पहली बार बिहार के लाखों छात्र और छात्राओं के लिए YouTube पर लाइव कैरियर क्लास होगा। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा यूनिसेफ की मदद से इस लाइव प्रोग्राम का फायदा बिहार बोर्ड के 30 लाख अधिक छात्र और छात्राओं को मिलेगा। आप देख सकते हैं मैट्रिक और इंटर मिला के लगभग 30 लाख परीक्षार्थी हैं, सभी को फायदा पहुंचेगा। तो ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता रहता है, तो आपका दायित्व बनता है कि इस वीडियो को शेयर करके सभी छात्रों तक ये बात को पहुँचाइए। इसके बाद आगे लिखता है यह लाइव कार्यक्रम हर गुरुवार को चलेगा, इसमें 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी शामिल होंगे। इस दौरान हर विशेष विषय के विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसमें 35 से अधिक विशेषज्ञों की टीम अलग अलग टॉपिक्स पर होंगे। यूनिसेफ के शिक्षा विशेषज्ञ प्रमिला मनोहरन ने बताया कि कैरियर को लेकर बच्चों को किसी तरह की दिक्कतें हो तो विशेषज्ञ की मदद ले सकते हैं। मतलब आपको 12th के बाद क्या करना है आपको नहीं पता है, मैट्रिक के बाद मान लीजिए आपको इंटर करना है या आईटीआई करना है या पॉलिटेक्निक करना है,
ये आपको नहीं पता है, क्योंकि देखिए होता क्या है कि बहुत सारे लोग आईटीआई कर लेते हैं और जल्दी रेलवे में जॉब ले लेते हैं, और इंटर वाले ग्रेजुएशन करते रहते हैं उतना में वो लोग जॉब में आ जाते हैं। तो कैरियर से संबंधित जानकारी सही लेना बहुत ज़रूरी है, खास करके हम लोग बिहार के छात्रों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हम लोग को उतना पता नहीं होता है। यहाँ पर देखिए, चलिए आगे आपको यहाँ पर समय बता देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए 9 अप्रैल को 4 बजे से 5 बजे तक आपका 546 कैरियर के बारे में बताया जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर आप। दूसरा आपको 16 अप्रैल को 4 से 5 बजे शाम 10वीं और 12वीं के बाद क्या लेना है उसका विकल्प के बारे में बताया जाएगा। जरूर देखिएगा, आप लोग के लिए ये बोर्ड लाया हुआ है, आप लोग के फायदा के लिए बोर्ड लाया हुआ है। 23 अप्रैल को 4 से 5 बजे शाम आपको वोकेशनल और डिप्लोमा कैरियर का स्कोप के बारे में बताया जाएगा। 30 अप्रैल को शाम 4 से 5 बजे टीचिंग में कैरियर ऑप्शन के लिए बताया जाएगा। वही 7 मई को 4 से 5 बजे मेडिकल में कैरियर ऑप्शन के बारे में आपको बिहार बोर्ड के वरीय अधिकारी बताएंगे। आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल का ये लिंक है यहाँ पर। जैसे ही 9 तारीख को शुरू होगा हम लोग एक वीडियो लेके आ जाएंगे कि कौन यूट्यूब चैनल अलग से खोला गया बोर्ड के तरफ से, जहाँ ये आपको जानकारी दिया जाएगा, आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं है। ये ज़रूर देखिएगा, बहुत बड़ा फैसला है जिससे आप लोग को बेनिफिट होगा। आपके बहुत बड़े छोटे भाई बहन होंगे जिनको ये बेनिफिट होगा, आपसे आगे वाले छात्र हैं उनको ये बेनिफिट नहीं मिल पाया था, क्योंकि बोर्ड देख रहा है कि बहुत सारे बच्चे बेरोजगार रह जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें अच्छा से आइडिया नहीं रह पा रहा है। और बाहर के राज्य के बच्चे कम बेरोजगार रहते हैं, क्योंकि उन्हें आइडिया है कि हम क्या करेंगे, कि हम प्राइवेट जॉब भी करके 20,000-25,000 कमाना शुरू कर देंगे, जिससे हम अपने परिवार पर बोझ नहीं होंगे। तो इसलिए बोर्ड ये सब कदम उठाया है। तो आप लोग तो जरूर देखिएगा, जितना हो सके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।